सो फर्स्ट डे अपना वेट भी चेक कर लेते हैं। तो अभी 0 आ रहा है, 65 कपड़ों के साथ। तो ये मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा वेट है मैक्सिमम लाइफ का। तो मुझे लगता है 62-63 होगा मैं, क्योंकि कपड़े हैं, शूज़ हैं, सब चीज़ें हैं। अभी वेट तो अभी ठीक है, हमें इसको 65-70 लेकर के जाना है विद मसल मास, और मसल ग्रो करते हैं प्रॉपर। प्रॉब्लम शुरू करना नहीं है, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट रहना। तो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है, बस मैं कंसिस्टेंट हो जाऊं कुछ टाइम के लिए। इस बार ट्रांसफॉर्म करना है प्रॉपर। अब तक हमने हीलिंग की, डिटॉक्स किया, मैंने अपनी अभी तक की जर्नी में ये सीखा कि हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। बट कहीं ना कहीं हम अपनी बुरी आदतों से या गलत चीज़ों से दूर भागने के चक्कर में ना क्या सही चीज़ें हैं जो करनी है वो कर ही नहीं पाते। तो मुझे अभी फोकस करना है मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, मेरे लाइफ के लिए क्या अच्छा है। मुझे उस चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ों को इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में। तो अभी वीडियोस में क्या क्या दिखेगा आपको, तो मैं शेयर करने वाला हूँ अपना माइंडसेट, अपनी जर्नी, अपना रूटीन,
अपनी फूड हैबिट्स, क्या क्या मैं खाने वाला हूँ, क्या क्या नहीं खाने वाला, किस तरह से मैं उस चीज़ कंट्रोल करने वाला हूँ, तो ये अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, जिसमें हम बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मसल बिल्ड करेंगे, माइंडसेट बिल्ड करेंगे, लाइफ को बिल्ड करेंगे, और जितना हो सकेगा मैं वीडियोज़ के थ्रू शेयर करने की कोशिश करूँगा, वीडियोज़ के थ्रू शूट करने की, बनाने की, उसको एक स्टोरी देने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरी पर्सनल ग्रोथ की भी जर्नी है। तो यस, स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ, मिलता हूँ मैं आपसे। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी हम जिम के लिए निकल रहे हैं। तो अभी मैं एम्प्टी स्टमक ही जा रहा हूँ, बस मैंने वार्म वाटर लिया है, अच्छे से पानी पिया गुनगुना, और आज बहुत सारे काम हैं। यस, करते हैं दिन की शुरुआत। आज दूसरा दिन है और हम सुबह उठ पाए हैं, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई आज उठने में, 5 बजे ही आँख खुल गई थी। उसका रीज़न था कि मैं कल रात बहुत अच्छे से जल्दी सो गया था। कल रात मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, मतलब मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम, अभी काम की वजह से, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी। बट फिर मैंने तेल से मालिश कराई मम्मी से, और फिर मैं सो गया लगभग 10:30 तक, और फिर आराम से मस्त 5 बजे उठा हूँ, और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि अच्छे से नींद पूरी हुई है। फिर तो मैंने ये समझा कि शायद हमारा नाइट रूटीन हमें सेट करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए, और मतलब रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं। जब हम रेस्ट अच्छे से करेंगे, माइंड फ्रेश होगा अगले दिन हमारा, तो हम बाकी के सारे काम कर पाएंगे अच्छे से। मेरा ज़्यादातर जो रूटीन है वो इसी वजह से कभी कभी सेट नहीं हो पाता कि मैं जल्दी नहीं उठ रहा हूँ कुछ टाइम से, और जब मैं जल्दी उठता हूँ तो सारी चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं लगभग। और बाकी यार, सुबह सुबह इतना सही लगता है ना, शांति होती है, अकेले हो आप, मस्त, बहुत सही माहौल होता है। कभी शाम में भी जाएंगे जिम, कभी सुबह सुबह भी जाएंगे, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बस मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मेरे को जिम डेली जाना है, टाइम क्या होगा मैटर नहीं करता, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए हैं तो शाम को जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। और भाई व्यू चेक करो यार, क्या व्यू है, मतलब ऐसी चीज़ें सुबह सुबह देखने को मिल जाए ना, तो मज़ा आ जाता है। सो हाँ जी, वर्कआउट अपना हो गया है, और बहुत सारे काम जो मैं बता रहा था वो ये है कि अपना नया घर बन रहा है, तो ये है वो, एंड इसको लगभग 8 महीने हो गए बनते बनते, और इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो वीडियो ना आने का एक रीज़न ये भी है। सो काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी इसमें जाता है। अभी बन के तो रेडी हो गया है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, अभी टाइल्स और पत्थर का आज से शुरू हो रहा है, तो जो मिस्त्री हैं वो आने वाले हैं, सामान मंगाना है मेरे को अभी, और मीटिंग भी है, तो जल्दी से यहाँ से काम ख़त्म करके घर चलते हैं, मीटिंग करते हैं। और उससे पहले अभी जिम करके आए हैं, तो मैं केले ले आया था, जिससे कि अभी सुबह सुबह और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी मतलब बाहर हूँ मैं, तो केले लिया मैंने, अभी केले खाते हैं फिर काम शुरू कराते हैं। जब तक वेट करते हैं, मिस्त्री भी आ रहे होंगे। तो एक बार फिर से वेट चेक कर लेते हैं, एम्प्टी स्टमक हैं, बट कपड़े ज़्यादा हैं, जूते हैं, तो 1-2 kg तो एक्स्ट्रा हो गई, तो देखते हैं। तो मैं इसको 62-63 ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 65 आ रहा है, जूते भी भारी हैं अभी, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा पहने हुए हैं ठंड की वजह से, तो 62 या 63 मानते हैं इसको, हम 65 करेंगे विद मसल मास।
जी, सो आज का अपना वर्कआउट हो गया है, अब चलते हैं अपने घर पर जहाँ काम चल रहा है, वहाँ पर बैठ के अपना शेक पियेंगे अच्छे से। सो अभी कोई आया नहीं है तो काम स्टार्ट हुआ नहीं है अभी, बट यहाँ पर टाइल्स लग रहे हैं अभी बेसमेंट में, तो काफ़ी काम चल रहा है अभी। बाकी बैठते हैं यहीं और अपना शेक एंजॉय करते हैं। तो ये शेक मैं घर से बना के लाया था, तो कुछ ऐसा है ये। तो इसमें है 3 बनाना और 1 ग्लास दूध, 4 खजूर, 1 चम्मच मतलब 2 चम्मच पीनट बटर, तो यही है। हाँ जी, तो अभी काम शुरू हो गया है वहाँ पर और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि अपना जॉब का काम भी शुरू करना है अपने को। सो घर चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और बैठते हैं काम पर अपने। तो आज मैं फर्स्ट डे ये शेक बना कर लाया हूँ और मैं सच बता रहा हूँ इतना सही ऑप्शन है ना ये। तो मैं थोड़ा सा ना आलसी बनता हूँ सच बताऊँ तो, मतलब काम करने में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है यार छोड़ो यार क्या कर रहा है, बट शेक बनाया आज, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि और भी काम होते हैं काफ़ी सारे। तो शेक बनाया, लेकर आया, अभी वो पिया, तो इतना अच्छा मतलब एक अच्छा ऑप्शन मिल गया मुझे को और मैं खा पी पाया अच्छे से, मैं कैलरीज ऐड कर पाया और ज़्यादा। तो अगर गेनिंग करनी है ना तो ये ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे डाइट में, वेट गेन करना है और बहुत ही हेल्दी और कैलरी डेंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सुबह सुबह। तो मैं ये बनाने वाला हूँ, अभी फर्स्ट डे है, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ऑप्शन और मतलब भूख भी नहीं लगी अब मेरे को, भूख लगती है सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से फिर मैं इधर आता हूँ घर का काम देखने तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यस, ये ऑप्शन अच्छा है। अभी घर चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, काम शुरू करते हैं। सो ये हमारा लंच, घर का खाना, भिंडी, पनीर, रायता, दही, घर का ही खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं। और आज सुबह से मैंने बहुत खाया, इससे पहले मैंने 2 आलू के पराठे खाए थे। तो हाँ, मैं ये सब चीज़ें खा रहा हूँ जो घर पे बन रही हैं, सब कुछ देसी घी का है, देसी घी घर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, मैं घी, डेयरी, ये चीज़ें ले रहा हूँ। सो डाइट हम घर की ही रखने वाले हैं, अच्छे से खाएंगे, बस थोड़े से प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाएंगे और जो और न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं वो हम बढ़ाएंगे, बट जो घर पे बनेगा हम वो सब कुछ खाएंगे। सो अभी घर पे बने हैं छोले चावल, तो घर का खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, पेट भर के खाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, बॉडी में लगे, पचे, बहुत सारा हम एक्सरसाइज करेंगे। बाकी मैं दिखाता रहूँगा क्या क्या मैं खाने वाला हूँ, कैसे कैसे खाने वाला हूँ।